हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुन्ना दास, मैं उड़ीसा से हूँ। आज मैं आपके साथ एक यूनिक प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ, जो कि सैमसंग की एलईडी है। इसमें नो डिस्प्ले का फॉल्ट है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो ये देखिए, इस टीवी को मैं खोल चुका हूँ और मैं लाइन दे के आपको दिखा रहा हूँ इसमें क्या फॉल्ट है और यूनिक क्या है। ये देखिए, ऑन हो रहा है अभी, देख सकते हैं इसमें ये बैकलाइट ऑन है। ओके, बैकलाइट जो है ये ओके है, देख सकते हैं अभी इस होल में बैकलाइट लाइट को देख सकते हैं इसमें। ओके, तो नो डिस्प्ले का फॉल्ट है इसमें, और मैं वोल्टेज चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जो पैनल का बेसिक वोल्टेज है, इसको चेक करके मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले पैनल VCC को हम चेक करेंगे, जो कि पैनल 12 वोल्ट के पैनल है। तो ये देखिए, ये फ्यूज देख रहे हैं, इस फ्यूज में 12 वोल्ट आ रहा है, तो पैनल VCC जो है ये प्रेजेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं पैनल VCC जो है ये सही से काम कर रहा है, ओके है। और इसमें जो पहला वोल्टेज जो है 3.3 वोल्ट, ये 3.3 वोल्ट लिखा है VDD, तो देख सकते हैं इसमें 3.26 वोल्ट, ये भी सही है। तो इसमें वोल्टेज जो है 3.3 वोल्ट मिल रहा है, और V ऑन पिन पे देखिए कोई वोल्टेज नहीं है। ओके, तो उसके बाद हम ABDD वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये देखिए, ABDD वोल्टेज ये भी नहीं आ रहा है, तो इसमें ये देखिए HBDD है, इसमें भी कोई वोल्टेज नहीं है, तो इसमें केवल 3.3 ही प्रेजेंट है और कुछ वोल्टेज भी नहीं आ रहा है। ओके, तो ये देखिए, ये जो जम्पर दिया है, रेजिस्टेंस जो दिया है, मैंने बाद में आपको बताऊंगा। तो अभी हमको कुछ वोल्टेजेस चेक करना है, जो कि RGB वोल्टेज है। तो ये देखिए, ये RGB 0 माइनस सिग्नल है, ये 1.2 वोल्ट है, ये प्लस सिग्नल है 1.0 वोल्ट, और ये 1 माइनस 1.2 वोल्ट, और है 1 प्लस, सॉरी ये 1 माइनस है 1.2 वोल्ट, ये 1 प्लस है तो 1.0 वोल्ट, 2 माइनस 1.2 वोल्ट, 2 प्लस 1.1 वोल्ट। तो इसमें सभी, लगभग सभी RGB सिग्नल जो है, वोल्टेज जो है, ये सही आ रहा है। मैं स्कोप से भी चेक किया है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए स्कोप का मेजरमेंट आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो हमारा टॉपिक जो है ये यूनिक फॉल्ट का है। तो यूनिक फॉल्ट क्या है, तो इसमें आप देख, तो ये TV अभी ऑन कंडीशन में है, तो यूनिक क्या है इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो LBDS केबल देख रहे हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये अभी ऑन कंडीशन में है, TV रिमूव किया, उसके बाद फिर से मैं लगा रहा हूँ LBDS को।
देखिए ये अभी ऑन कंडीशन में है, तो देखिए मैं LBDS को फिर से लगा रहा हूँ। ये देखिए हमारा डिस्प्ले जो है परफेक्टली आ गया है। तो ये फॉल्ट क्या है, देखिए जो वोल्टेज हमारा नहीं रह रहा था, ये देखिए वी ऑन वोल्टेज 31 वोल्टेज ये अभी आ गया है। ओके, तो इसमें सभी वोल्टेज प्रेजेंट होने के बाद ये हमारा डिस्प्ले जो है परफेक्टली आ गया है। तो इसमें ये फॉल्ट क्या हो रहा है, ये प्रोग्रामेबल DC IC है जो कि नंबर है RT6906B, इसका अंदर एक प्रोग्राम है। तो फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉल्ट, ये अभी डिस्प्ले नहीं है, देख रहे हैं, देख सकते हैं। तो फिर से मैं निकाल रहा हूँ, फिर से लगा रहा हूँ, ये देखिए अभी डिस्प्ले आ गया है। ये उसका यूनिक फॉल्ट है। तो इसको कैसे मैं शॉर्ट आउट किया मैं आपको शेयर करूँगा। तो सो फ्रेंड्स, मैं इसमें जब यूनिवर्सल बोर्ड को इस पैनल में मैं लगा रहा हूँ तो ये सही चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं थोड़ा जानकारी दे दूँ, ये जो सैमसंग बोर्ड मैं इसमें लगा रहा हूँ इसमें इस फॉल्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है ये थोड़ा जब जानकारी मैं दे दूँ, ये जो यूनिवर्सल बोर्ड देख रहे हैं इसमें SL SDA का वोल्टेज नहीं है, और सैमसंग का जो बोर्ड है इसमें SL SDA आ रहा है मदरबोर्ड से पैनल को। ओके, तो ये जो फॉल्ट देख रहे हैं इसमें डाटा लेबल में प्रॉब्लम है, इसीलिए यूनिवर्सल बोर्ड में SL SDA नहीं था, इसीलिए चलता था। और इसमें यूनिवर्सल सैमसंग की बोर्ड में SL SDA था, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने इसमें वोल्टेज चेक किया जो SL SDA है, तो इसमें वोल्टेज भी प्रॉब्लम था। ओके, इसमें जो SCL और SDA है, SCL में 3.3 वोल्ट आ रहा था और SDA में 2 समथिंग वोल्टेज आ रहा था। तो इसमें मैं चेक किया जो SL SDA है ये DC to DC IC को जा रहा है, ये प्रोग्रामेबल DC to DC IC है, इसको जा रहा है। तो ये देख रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं ये ST पिन पे सप्लाई से 3.3 से रेजिस्टेंस के थ्रू SDA को जा रहा था, और ये SDA वोल्टेज जो कि DC IC को जा रहा था। तो ये SDA में वोल्टेज में 2 समथिंग वोल्टेज आ रहा था जो कि SCL में 3.3 है। तो SDA में हमको 3.3 मिलना चाहिए था, तो इसीलिए मैं इस रेजिस्टेंस को रिमूव करके लगाया। लगाने के बाद भी हमारा जो SDA वोल्टेज है ये सही 2.5 वोल्ट ही आ रहा था। इसमें मैं सेटिंग चेक किया तो सेटिंग नहीं था, तो इसका 24 या 25 नंबर पिन जो कि SCL और SDA के साथ जुड़ा रहता है, और ये SCL SDA यहाँ पर आता है LBDS पिन पे, देख रहे हैं ये पिन पे आ रहा है, ये जो दोनों पिन देख रहे हैं ये आ रहा है। तो मैंने जब चेक किया है इसमें SCL पिन पे 3.3 था और SDA पिन पे 2 आसपास का था, तो इसमें वोल्टेज में दिक्कत था। तो मैंने इसमें सेटिंग चेक किया, इसमें कोई भी सेटिंग नहीं बता रहा था, और इस पाथ में ये जो SDA SCL है ये जो बड़ा वाला एप्रोमाइस देख रहे हैं इसको जा रहा था। ओके, तो
इस पाथ में जो सप्लाई से एक रेजिस्टेंस है जो कि 10K का रेजिस्टेंस, ये जुड़ा रहता है और इसको मैंने जब रिमूव किया है ये कहीं से गिर गया है, तो इसीलिए मैं इसमें 10K के रेजिस्टेंस मैंने अलग से दे दिया है सप्लाई से। ओके, तो देने के बाद भी हमारा प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व नहीं हो रहा था, तो SDA पिन पे भी सही वोल्टेज 2 point something बता रहा था। तो इस पाथ में ये जो रेजिस्टेंस है इसमें जुड़ा रहता है और ये रेजिस्टेंस मैंने रिमूव कर दिया है जो कि ये मदरबोर्ड से SCL SDA वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के थ्रू आ रहा था जो कि DC to DC IC को भी जा रहा था और एप्रोम चिप जो मैंने दिखाया इसको भी जा रहा था। तो SDA वोल्टेज हमको नहीं मिल रहा था, कम मिल रहा था और SCA वोल्टेज 3.2 मिल रहा था। तो मैंने मदरबोर्ड से जो आ रहा था SCL SDA इसको मैंने डिसकनेक्ट कर दिया है। और ये जो डायोड देख रहे हैं 6 leg की, ये 6 leg की डायोड SDA का SCL साथ जुड़ा रहता है, तो मैंने इस डायोड को जब रिमूव किया तो SDA वोल्टेज मेरे को मिलने लगा। ओके, तो SDA वोल्टेज 3.3 वोल्ट आने लगा और SCL पहले से ही 3.3 वोल्ट था। ओके, तो ये रेजिस्टेंस को मैंने रिमूव किया जो कि मदरबोर्ड से SCL SDA जो आ रहा था DC to DC IC को, इसको मैंने डिसकनेक्ट कर दिया है। फिर भी हमारा प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, फॉल्ट वैसे ही रहता है। तो सो फ्रेंड्स, मैंने इस SCL और SDA को मैंने जब शॉर्ट आउट किया फिर भी हमारा फॉल्ट जो है इस सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद ये जो प्रोसेसर को देख रहे हैं, ये प्रोसेसर का भी SCL SDA होता है, तो इसको मैंने जब ढूंढा तो ये देखिए इस पिन पे लिखा है WPP और SCL, ये पिन SDA, तो ये इस प्रोसेसर को जा रहा है, तो इस लेवल में मैं काम किया। तो इसको मैंने जब चेक किया तो यहाँ पर भी SCL पिन पे 3.2 वोल्ट आ रहा था और SDA पिन पे 1.5 वोल्ट आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए मैं वोल्टेज चेक करके आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पिन देख रहे हैं SDA पिन, इसमें देख रहे हैं ये 1.2 वोल्ट आ रहा है, देखें ये 1.2 वोल्ट है देखिए। और ये जो पिन देख रहे हैं SDA पिन SCL पिन, ये 3.2 के प्रॉपर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो हम जब इसको मैंने चेक किया है जो कि ऑन कर दे बंद कर देता हूँ इसको, देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसको डायोड रेंज पर रखता हूँ और ये जो SDA पिन देख रहे हैं SCL पिन, ये 1.2 बता रही है, सॉरी हाँ 1.251 और SDA पिन पे 1.246। जब ओम्स में रखता हूँ, ये देखिए मैं ओम्स रेंज पर जब रखता हूँ यहाँ पर आ रहा है 10 kilo ohms और यहाँ पर आ रहे हैं 4.3 kilo ohms जो कि सही नहीं है। तो आप देख रहे हैं, तो सो फ्रेंड्स ये जो SDA और SCL SDA और SCL SCL और SDA ये प्रोसेसर को भी
आ रहा है, डीसीआईसी को भी साथ ही साथ डीसी टू डीसीआईसी को भी इस लेवल की जा रहा है ये डीसीआईसी। ओके वोल्टेज और ये आउटपुट इसका अंदर एक प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से इसका अंदर प्रोग्राम है सारे आउटपुट तो प्रोग्राम करता है डीसी टू डीसीआईसी के तो साथ ही प्रोसेसर को जो 3.3 वोल्ट और सॉरी एसडीए और एससीएल जा रहा है इसको हमको नहीं मिला एप्रोम आईसी देख रहे हैं तो छोटा वाला क्या इसके थ्रू जा रहा है सबसे पहले। ओके पिन पे जो 22 तो मैंने डीसी टू डीसीआईसी से एससीएल एसडीए पिन को जब करने के बाद भी डिस्कनेक्ट कर दिया उसके बावजूद भी हमारा जो वही एसडीए और एससीएल पिन पे वही 1.2 ओम्स जो है ये 4.3 और 10 किलो ओम्स की इसके बता साथ। ओके मैंने जब प्रोसेसर से रिमूव किया एससीएल एसडीए तो हमारा जो फुल ओम्स जो है 10 के और एसडीए पिन पे भी 10 के बताना था दोनों पिन पे। तो इसमें इसका मतलब ये है इसका प्रोसेसर खराब है तो मैंने इस प्रोसेसर को रिप्लेस कर दिया तो रिप्लेस करने के बाद हमारा फॉल्ट जो है इस प्रोसेसर को ये देखिए प्रोसेसर तो रिप्लेस करने के बाद ये अभी तो ये प्रोसेसर को रिप्लेस करने के बाद हमारा फॉल्ट जो है कि ये सॉल्व हो गया इसमें 3.3 वोल्ट और एसडीए पिन पे 3.3 वोल्ट भी आने लगा सॉल्व हो चुका तो हमारा फॉल्ट जो है ये सॉल्व हो गया। तो मैंने इसको वोल्टेज चेक करके हम आपको दिखा रहा हूँ हमारा पिक्चर जो है तो ये सारी आउटपुट आ रहा है अभी डीसी टू डीसीआईसी तो पिक्चर में आउटपुट कर रहा है चेक करके दिखा रहा हूँ तो मैं लाइन देता हूँ देख रहे हैं आप वोल्टेज चेक करके दिखा रहा हूँ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं ये देख रहा हूँ वीजीएच पिन पे जो कि 31 वोल्ट आ रहा है ये अभी ऑन हो गया है। तो डीसीआईसी जो है यह अपना काम कर रहा है और डिस्प्ले भी आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले भी सही आ रहा है। ओके जो बोर्ड में नहीं आ रहा था यह अभी सही आ रहा है। तो सो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।